मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप सभी को मालूम है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लोगों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। यहाँ तक कि मुंब्रा में SRPF की एक कंपनी भी मुंब्रा शहर में तैनात की गई है। मुंब्रा शहर का आज जायज़ा लेने के लिए आज खुद ठाणे के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने मुंब्रा का दौरा किया और नाकेबंदी के दौरान खुद ठाणे पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। बिना वजह सड़कों पर चलने वालों पर कार्रवाई भी की गई। खासकर मुंब्रा में जिस तरह से लोग कभी दूध तो कभी मेडिकल पर जाने के लिए निकलते हैं, उन सभी से ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने अपील की है कि ऐसे जरूरतों के सामान एक बार जब घर से निकले तभी ले लें, बार बार निकलना उचित नहीं है। साथ ही जो लोग फर्जी आईडी या वाहनों पर बिना पुलिस स्टेशन की मोहर का लेटर लगाकर चलते हैं उन पर कार्रवाई अब की जाएगी। ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने मुंब्रा वासियों से घर में रहने की अपील की है। क्या कुछ कहा है सुनिए। नहीं देखिए, मुंब्रा में जो पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा SRP को पाचारण करके थोड़ा रूट मार्च और नाकाबंदी उसे जो अनावश्यक वाहन पे लोग घूमते हैं उसको उसका प्रबंध किया गया है। मुंब्रा वासियों से मेरा अपील है कि आप लोगों ने हमेशा पुलिस ने जब आपको अपील की है तो सहयोग दिया है। इस समय तो ये बहुत बड़ा संकट है, मुंब्रा महाराष्ट्र देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे ये संकट नज़र आ रहा है। ये संसर्ग जो है इसको टालना, यहीं पे रोकना बहुत ज़रूरी है और इसका एक ही इलाज है, घर पे रहिए, आप बाहर मत जाइए। आप बाहर जाओगे तो किसके संपर्क में आओगे, उसको क्या हुआ है, वो क्या बीमारी फैलेगा, इसका कोई अपने को पता नहीं है। इसलिए आप घर पर रहिए। जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि धान्य है, सब्जियां हैं, दूध है, मेडिसिन्स है, इसके लिए भी बार बार बाहर आना बहुत गैर है। एक आध बार आके अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेनी चाहिए, दो चार दिन की ज़रूरतें पूरी करके दो चार दिन बाहर नहीं आना चाहिए। शासन के सभी विभाग, खास करके पुलिस विभाग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, अपने परिवार की, अपने खुद की कोई भी परवाह न करते हुए आप सुरक्षित रहे इसलिए मेहनत में जुटे हुए हैं। उनका कृपया आप सहयोग दीजिए। वो जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आपको, वो आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें। आप ये ना समझिए कि आपको वापस भेजा जा रहा है तो आपके खिलाफ काम हो रहा है, आपके लिए काम हो रहा है, बाकी लोगों के लिए काम हो रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, ऐसे तो लोग हैं जो आई कार्ड बना के बस खाली घूमने के लिए, खाली सताने के लिए पुलिस को आई कार्ड बना के घूम रहे हैं, हम लोग इसको किसी ने रोके नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? नहीं नहीं देखिए, ये बहुत ही गैर है कि आप गलत या बोगस आई कार्ड या बोगस कारण कुछ छपा के बनवा के घूमेंगे तो सख्ती से पुलिस पेश आएगी, कानूनन कार्रवाई होगी। और आप इसमें मत उलझिए, ये इस तरह के काम करने का वक्त नहीं है, बहुत गंभीर वक्त है, गंभीरता से लीजिए, सहयोग करिए, घर पे रहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।